प्रियंका जी इधर लगातार बड़ी कोशिश कर रही हैं, वो बसें भी भेजती है, वो हर मुद्दे पे मुखर होती हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर हो गया आपके सामने? अच्छा लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस मेहनत कर रही है, और कांग्रेस को और मेहनत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दो छोरों ने साथ में चुनाव लड़ा, फिर बुआ भतीजे ने भी लड़ा, इस बार ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में भाई बहन की एक जोड़ी दिखाई पड़ने लगे? पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी इस बार कोई बड़ा गठबंधन नहीं करेगी। बड़ा गठबंधन, कोई बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। जो बड़ा हमारे क्षेत्रीय गठबंधन, दल हैं, जो और दल हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सेकुलर फोर्सेस कहें, या जो बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ते आए हैं, कई सोशल ऐसे सवालों पर लगातार संघर्ष करते आए हैं, उनका साथ जरूर लेगी पार्टी। आप ये पहले भी साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी और सरकार बनाएगी, लेकिन जो दो चुनावों में आपने एक बार कांग्रेस से और फिर एसपी बीएसपी दोनों का गठबंधन हुआ, आपको क्या लगता है उससे पार्टी को कोई चोट पहुंची? पार्टी का अगर हम परसेंटेज ऑफ वोट देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीटों का नुकसान हमें हुआ है। मान लीजिए हम और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, हम 5 रह गए और हमारे कुछ घर के सदस्य हार गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें बढ़ गई। तो परसेंटेज ऑफ वोट में हमारा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीटों के सवाल पर हमारा नुकसान हुआ है। इसी तरह पहले भी जब हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया तो परसेंटेज ऑफ वोट तो हमारा है, लेकिन सीटों का नुकसान हमें हुआ। आप मिशन 351 की बात करते हैं। पहली बात, ये जो मिशन शब्द है वो दूसरी पार्टी ने गढ़ा था, मिशन इतना मिशन वैसा, तो ये जो आपका मिशन 351, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये मिशन मैंने नहीं जोड़ा, मिशन तो लोगों ने, क्योंकि उन्हें शब्द वही इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि 351 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतें, जब भारतीय जनता पार्टी झूठे सपने दिखा करके, अपने घोषणा पत्र पे अमल न कर करके अगर इतनी सीटें जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का साथ लेकर के, सभी वर्गों को कहीं ना कहीं अपने साथ एडजस्ट कर करके, सभी जाति धर्म को सम्मान करते हुए अगर हम चलेंगे तो 351 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है अखिलेश जी, आप अपने काम के सहारे पिछले चुनाव में उतरे थे और आपका एजेंडा बहुत साफ था कि हमने ये काम किया, आप रखते थे सामने, तो इस समय योगी सरकार अपने काम गिनाती है और योगी जी को तो जैसे आंकड़े कंठस्थ रहते हैं, तो आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी आपका सहारा बनेगी या कुछ और नई चीजें उभरेगी इस चुनाव? मैं केवल ये बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का काम आज जनता के काम आ रहा है। आज ही जब अखबार खोलेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का शुरुआत होने जा रही है, वो पूरा का पूरा समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। आज भी अभी भी बीजेपी ने एक्सप्रेसवे से बेहतर एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई। लखनऊ जैसी जगह पर जहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट है, लोगों को कहीं भी इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, ना दिल्ली ना मुंबई, वो कैंसर इंस्टीट्यूट अगर आज चालू हो जाती तो हमारे पूरे के पूरे आसपास के लोगों को कैंसर का सस्ता इलाज वहां उपलब्ध हो जाता, वो बीजेपी ने नहीं शुरू होने दिया। चीनी मिलें जो लगाई थी समाजवादी सरकार में, वो आज भी चल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तो कहती है कि हमने भुगतान किया है, लेकिन अभी किसानों का बकाया जो है वो अभी भी किसान का नहीं दे पाए हैं। अभी जो डेयरी प्लांट लगे थे समाजवादी सरकार में, अमूल के दो दो प्लांट लगवाए थे, एक लखनऊ में, एक कानपुर देहात में, और मदर डेयरी का लगा था इटावा में। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी ने कौन सा मिल्क का प्रोसेसिंग का प्लांट लगा दिया है? अरे कम से कम अमूल का ही लगा देते। जो किचन हमने बनाई थी बच्चों को लाखों लाख खाना खिलाने के लिए लखनऊ में, मथुरा के बाद, मथुरा का भी मैंने गया था, देख करके आया था, अक्षय पात्रा का जो किचन बनाया, कम्युनिटी किचन, बहुत शानदार, अच्छा लखनऊ में बनवाया। और लखनऊ के बाद मैंने 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और दिए थे किचन, लेकिन बीजेपी की सरकार ने वो किचन रोक दिए, नहीं बना रहे हैं उसके लिए। इसी तरह एससीएल लखनऊ में आ गया, आपके बड़े बड़े स्टेडियम्स बने, लखनऊ का मेट्रो जितना बनाया था, जहां तक पहुंची थी मेट्रो, उससे आगे मेट्रो नहीं पहुंच पाई। आपका ये वर्ल्ड क्लास। योगी जी कहते अखिलेश जी, आपने एससीएल का,
जी आप अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। मैं गोरखपुर का ही बता दूं, 500 बेड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी मैंने बताया था, उससे पहले 200 बेड हॉस्पिटल बनाया था, जो सड़क बनाई थी गोरखपुर से देवरिया और देवरिया से सलीमपुर, आज तक फोर लेन नहीं बना पाई है सरकार। जो तालाब पे सुंदरीकरण शुरू हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं खत्म कर पाई। जो एम्स कहते हैं कि आपके समय में तो एससीएल वापस जा रही थी। नहीं नहीं, वो टाटा के बारे में इशू ये था कि टाटा जो उनका टाटा का जो यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था टीसीएस उनका, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा में बड़ा सेंटर बन गया है, वो पूरा का पूरा सेंटर लखनऊ से शिफ्ट करके एक जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन रूमर लोगों ने ये फैला दी कि समाजवादी सरकार में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी से हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वो कब रूमर कब झूठ क्या फैला दें। वो टीसीएस नहीं, एससीएल हम लेकर के आए और आज भी हजारों बच्चों का भविष्य बना रही है। आप अखिलेश जी, जैसे एक तरफ बीजेपी है, उसके पास अनुषंगिक संगठन है, एक संगठन है, आज सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जिसका कि अपना एक तरीके का वोट बेस है और वो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करते, चुपचाप काम करते रहते हैं, और एक कांग्रेस है। आपने हाइप की बात की, लेकिन इधर के दिनों में खबरें प्रियंका गांधी ने भी अर्जित की है, आपको क्या चुनाव की स्थिति बनती है दिख रही है इस समय? स्थिति बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, यहाँ का किसान चाहता है कम से कम उसको वो सरकार मिले जो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, और हम पे एग्जेम्पलरी वर्क है, कोई एक ऐसा काम नहीं कि जो हम ना बता पाए। आज हमारे पास हर फील्ड के एग्जेम्पलरी वर्क है, और दो बार हारने के बाद कम से कम ये तो सीख लिया है, कांग्रेस शायद अलायंस कर करके, बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस कर करके, ये तो सीख लिया है कि अब जीतना कैसे है। और मुझे उम्मीद है कि जिस समय हम सबका साथ ले लेंगे, जिसमें हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और सभी जाति धर्म का सम्मान कर करके चलेंगे, तो समाजवादी पार्टी को 351 सीट आएंगी।